सपनों की नगरी मुंबई में कई लोग आते हैं करोड़ों सपने लेकर। कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाते, तो कुछ लोगों की किस्मत बिना वक्त के ही चमक जाती है। अब कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो स्टार तो बन जाते हैं लेकिन अपने आप को इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम तक कायम नहीं रख पाते। आज हम आपको लॉस्ट स्टार में एक ऐसे ही स्टार के बारे में बताते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में चमकने की कोशिश तो की लेकिन ये तारा कहीं ना कहीं टूट गिर गया। हम बात कर रहे हैं जायद खान के बारे में। बॉलीवुड एक्टर संजय खान का बेटा जायद खान ने इंडस्ट्री में एक ड्रीम डेब्यू किया। साल 2003 में आई फिल्म चुरा लिया है तुमने से किया जायद खान ने डेब्यू। इसके बाद इन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड फंक्शंस पर नॉमिनेट किया गया। वेल, अगर ये सब काफी नहीं था तो उन्हें बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म ऑफर की गई। जी हाँ, SRK सुष्मिता सेन की फिल्म मैं हूं ना में इन्हें देखा गया और ये वो फिल्म है जिसके लिए जायद खान को आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म पर बेस्ड कई मीम्स भी बन गए थे और जायद खान को वो लंबे बाल वाले लुक के लिए आज भी लोग याद करते हैं। यही नहीं, मोहब्बत है मिर्ची गाने के लिए भी जायद खान काफी फेमस है। इनकी किस्मत चमक जरूर सकती थी क्योंकि ये धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, सक्सेस को मेंटेन करना हर किसी की बात नहीं होती। ये फिल्मों की अच्छी स्क्रिप्ट ही नहीं चुन पाए, उन्होंने करियर को ही सीरियसली नहीं लिया। और इस बारे में बात करते हुए जायद ने कहा, When I was younger and passionately aggressive, I wanted to be involved in every aspect of filmmaking. Some of it paid off, some didn't. On hindsight, I feel I didn't take my career as seriously I should have. I compromised often and had to take some very strong decisions, but I've also built great bridges, none of which I've used though. इनफैक्ट जायद ने ये भी कहा कि किसी फिल्ममेकर ने उन्हें सिंगल हीरो फिल्म ऑफर ही नहीं किया। He said, People expect a lot of things. They ask me, why don't you do single hero movies? Honestly, I don't know what to say. No director of the caliber of making a good single hero is coming to me with that kind of offer. इसके बाद 2011 में प्रोडक्शन में भी लग आजमाया जायद ने। उन्होंने लव ब्रेकअप जिंदगी फिल्म को प्रोड्यूस किया जिसे ऑडियंस का कुछ खास प्यार नहीं मिला। जब कुछ काम नहीं आया तो जायद खान ने टेलीविजन की ओर अपना रुख मोड़ लिया और साल 2017 में वो नजर आए सीरियल हासिल में और अब वो मूवी से दूर एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर रही है। काश उन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया होता तो आज वो एक स्टार बन सकते थे। आप इस स्टार को इंडस्ट्री में कितना मिस करते हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।